बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का मसाला, जो कि घर की मसालों से बन जाता है और आपके घर के रोज़मर्रा के खानों में यूज़ होता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप किसी भी चीज़ में इसे डाल सकते हैं। तो जिनके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो है कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसका कलर डार्क होता है और ये थोड़ी तेज़ होती है, और पिसी हुई लाल मिर्च जो है थोड़ी हल्की होती है तो इसका कलर भी जैसे लाइट होता है। हल्दी 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून, काली मिर्च जो हमने ली है वो 15 से 20 अदद है, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, लौंगे 8 से 10 अदद, टाटी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल जो लिए हमने 3 से 4 से 5 चाहिए, इलायची 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जायफल ये एक बिल्कुल गोल हमने लिए, सौंठ इतनी बड़ी लेनी है एक, दालचीनी 5 से 6 अदद दरमियाने साइज की। अब हम मसालों को सेक लेंगे। बड़ी इलायची, बादियान फूल, दालचीनी, जायफल, सौंठ, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरा। अब हम इन्हें हल्का हल्का सा थोड़ा सा जो है भून लेंगे। इनका कलर चेंज ना होने का गरम मसाला ये ज़ीरा और साबुत धनिया का। हमने इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया, बस हल्का हल्का सा हमने इसे सेक फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मसालों को ब्लेंडर कर देंगे। सारे गरम मसाले हमने देखे बारीक पीस लिए और इसका जो है पाउडर बना लिया हमने। अब हम दूसरी चीज़ें एक साथ मिक्स करके ग्राइंडर करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, जर्दे का रंग, ये सब पाउडर के सूरत में ही है पर हमें जो है इन्हें एक साथ मिक्स करना है तो इसलिए हम इन्हें एक साथ जो है ना ग्लेंडर कर रहे हैं। नमक, टाटरी। अब हम इन्हें एक साथ ग्लेंडर कर लेंगे। हम गरम मसालों को और इन मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा टिक्का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसे किसी एयर टाइट जार में रख लेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे जार के अंदर निकाल देंगे।
आपको बिल्कुल एयर टाइट जार लेना है जिसके अंदर जो ना हवा पास ना हो। एयर टाइट जार से ये होगा कि इसकी ताजगी बिल्कुल बरकरार रहेगी और इसकी खुशबू जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी।